हेलो दोस्तों, नमस्कार। मेरा नाम प्रताप है और मैं देवभूमि उत्तराखंड का रहने वाला हूँ। दोस्तों, अगर आप द्वाराहाट में रहते हैं और बोर हो रहे हैं तो आइए मेरे साथ, मैं आपको ले चलता हूँ एक प्यारी सी लोकेशन पे, जहाँ पे आप थोड़ा सा फन कर पाएंगे और इन्जॉय कर पाएंगे। इस लोकेशन पे आप भी आ सकते हैं। तो द्वाराहाट से चकोटिया वाली लाइन पर निकलते ही हमें कुछ ही दूरी पर, हमें अगर हम चकोटिया की साइड को जा रहे हैं तो हमें राइट लेना है, हमें चलना है। धीरे धीरे दोस्तों हम चलते हैं आगे की तरफ। कुछ मकान यहाँ पे दिख रहे थे और थोड़ी सी आगे निकलने पे हमें दिखता है एक हरा भरा सा जंगल। कुछ मेरे मित्र मिल गए थे जिनके साथ हम बढ़ते हैं आगे की तरफ। सामने आप देख पा रहे होंगे गाइस, कितना प्यारा व्यू और कितना प्यारा गांव लग रहा है। तो यहाँ पे एक वाटरफॉल दिख रहा है गाइस, और ये धनल गाँव है। यहाँ पे हम लोगों ने अपनी गाड़ियाँ खड़ी कर दी हैं और हम जा रहे हैं अब वाटरफॉल की तरफ। सो गाइस, ये रेगुलर वाटरफॉल नहीं है, ये गधेरा आ रखा है आजकल, लेकिन फिर भी यार इतनी देर को छोड़ के चले गए। हमारे होनहार द्वाराहाट के दो होनहार साइंटिस्ट जो यहाँ खोज पे निकलते हुए, इन लोगों ने तो चप्पलें पहनी हुई, तो मैंने पहने हैं जूते, बट मेरे पास है अनुभव तो इसलिए बेचारे जो है गधेरे गधेरे लगे हैं और हम जा रहे हैं रास्ते। किस टैंकी में? यहाँ पे टैंकी भी है क्या? अच्छा, यहाँ रास्ता है यार, ये देखो यहाँ से रास्ता है। अच्छा, टंकी है ना? ना, टंकी ये भी है। अच्छा, नहाने सब यही आते हैं। चलो, और हमारे गाइडर भाई 2000 रुपया लेते हैं ये, यहाँ वाटरफॉल विजिट कराएंगे। अगर कोई आना चाहे तो इनसे कांटेक्ट कर सकता है। यार लग तो अच्छा रहा है यार, है? नहीं मिला रास्ता? कैसे गाइडर हैं यार बताओ, हैं? शुभम भाई 2000 रुपये ठग दिए इन्होंने हमें, हैं? हाँ यही से होगा। मैं नहीं यार, मैं अभी तक ना बद्री गया ना केदार। चार पाँच किलोमीटर आप चल के जाओगे वहाँ पे, बताते हैं पापियों के ऊपर नहीं गिरती करके, ऐसा कुछ है ना? रास्ता थोड़ा डिफिकल्ट है, बट ये खतरों के खिलाड़ी हैं सारे। मैंने पहने जूते।
भाई ये लोग छोड़ के चले गए यार। हाँ रास्ता बहुत टफ है गाइस। तेरे एक जूता भीग गया मेरा। हाँ गाइस वाटरफॉल हम लोग पार्टी वार्टी करके गए पहले भी। तुम भाई जब तो पार्टी करके गए हैं तो हाँ जी गाइस देख सकते हैं आप, अब हम पहुंच चुके हैं आगर से। ऊपर जो टंकी थी टंकी से ऊपर एक खिल्लार आता है आप देख सकते हैं हमारे पीछे, और वो रहे हमारे प्रताप भाई। सोंदा यहाँ पर क्या एक्सपीरियंस कैसा रहा आपका आने का? बहुत जबरदस्त है। तो गाइज अगर आप लोग नेचर से काफ़ी लगाव रखते हैं और वाटरफॉल देखने के शौकीन हैं बट आप दूर दूर नहीं जा पाते हैं, तो आपके द्वाराहाट के आसपास धनगल गांव में एक प्यारा सा वाटरफॉल निकला है आजकल जिसे आप देख सकते हैं। ऑलरेडी हम विजिट कर रहे हैं यहां पे, हमारे साथ हमारे कुछ दोस्त हैं द्वाराहाट के, तो आप यहाँ पर आ सकते हैं। काफ़ी प्यारा वाटरफॉल आया है अभी क्योंकि कल बारिश काफ़ी ज़्यादा हुई है जिसकी वजह से जो आप देख पा रहे होंगे वाटरफॉल में थोड़ा बहुत पानी है वो काफ़ी अच्छा लग रहा है। अगर आप इंजॉय करना चाहते हैं वाटरफॉल में आप इंजॉय करना चाहते हैं तो यहाँ पे इस समय आप आ सकते हैं। धनगल गांव के पास है और काफ़ी नज़दीक है रोड से, थोड़ा बहुत चलना पड़ता है, 100 मीटर चलना पड़ेगा, देन आपको ये प्यारा सा वाटरफॉल जो है यहाँ पे मिल जाएगा। ऑलरेडी हमसे पहले यहाँ पर कई लोगों ने विजिट किया है बट एक चीज़ जो मुझे बहुत बुरी लगी यहाँ पर भी, आते ही लोग ना सब जो है कूड़ा कबाड़ करना शुरू कर देते हैं। देखो वो खा के वहाँ रखा है ये प्लास्टिक की बोतल, आप देखो यहाँ पे ये प्लास्टिक की बोतल देखो, तो ये चीज़ ना करें अगर आप यहाँ पे आ रहे हैं तो प्लीज़ नेचर के साथ छेड़ाखानी ना करें। प्लास्टिक जो है आप ला रहे हैं इंजॉय कर रहे हैं इसको घर को ले जाइए, अपना कहीं डस्टबिन में डालिए, यहाँ पर मत फैलाइए। अगर कोई यहाँ ऐसे फैलाते हुए दिख गया तो उसको जो है कूटा जाएगा मुकुल भाई के द्वारा। तो प्यारा वाटरफॉल है गाइस, अगर आप विजिट करना चाहते हैं इस समय आ जाइए, काफ़ी अच्छा लग रहा है। जंगल गांव के पास काफ़ी शानदार वाटरफॉल है। तो अब यहां से चलने का समय आ चुका है। ए शुभम भाई ये नहीं नहीं इनके बारे में क्या बोलते हो है? क्या बोलते हो इन लोगों को कूटा जाए नहीं कूटा जाए? देखो भाई ऐसे प्लास्टिक फेंकी हुई है और यहीं पर इन्होंने बना के कुछ खाया है वही नदी में फेंक दिया है। इतना खूबसूरत ऊपर वाटरफॉल है उससे भी ज़्यादा यहाँ टफ आना है। हमारे घर को दिखता है वो इससे ऊपर है। हाँ वो इससे ऊपर है, वहाँ जाने का रास्ता होगा फिर वहाँ तो यहाँ पर रास्ता है। तो अभी हम लोग देखे थे हम नीचे से आए थे ना उसके बगल में रास्ता वो झरना ये वैसे तो आप खुद देख लीजिए पानी साफ है या गंदा है।
आपके यहाँ आरओ में भी इतना साफ पानी नहीं आता होगा। भाई घुटने तक पैंट भीग गई है, हाथों में निशान लग गए हैं, चोट लग गई है, पर चश्मा नहीं उतरना चाहिए। बाय बाय गाइस, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।